हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आया हूँ नासिक में। हमारे साथ है हमजा भाई और इनके कुछ बकरे हैं। सेटअप का नाम है इनका IJ गोट फार्म। और एरिया कौन सा लगता है, कैसे आना है, क्या करना है, वो सारी चीज़ें वीडियो के अंदर बताएंगे। अच्छा रेट देने वाले इंशाल्लाह, तो वीडियो पूरा देखें, आखिर तक देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। शूट के रिगार्डिंग कोई इंक्वायरी है, हमजा भाई का नंबर स्क्रीन के ऊपर है। मुंबई, नासिक कहीं भी शूट के लिए तो आप लोग इनसे नंबर ले सकते हैं मेरा, और डायरेक्ट मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमजा भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। भाई, अपने सेटअप का नाम है IJ गोट फार्म। क्या है इसका मतलब IJ का? IJ गोट फार्म बोले तो भाई, अपने कुछ 12 इमाम हैं। हाँ, तो उन 12 इमामों से में से एक इमाम है, इमाम जाफर सादिक। ओके। इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला उनके नाम की निस्बत से ये अपन ने काम शुरू किए। बस तो इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु ताला की निस्बत से ये काम स्टार्ट किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है। बहुत डिटेल में जाकर तुमने नाम रखे हो यार, बहुत अच्छे। तो ये मतलब जो काम जो शुरुआत किए, ये सीजनल काम है या पूरा राउंड द ईयर करते हो? पूरा राउंड ईयर करते हैं, लेकिन अभी अपना ना समीर भाई दूसरा भी काम है, जैसे मेरा हॉर्सेस का भी काम है और दूसरा डेयरी वगैरह का भी काम है। अच्छा जी, तो उस वजह से टाइम पूरा साल भर तो नहीं हो पाता है, लेकिन सीजन भी कैसे भी करके कर लेते हैं। सीजन में कितने बकरे बेचते हो आप? सीजन में तकरीबन 50-60 के आसपास तो बिका देते हैं। ये एरिया जिसमें आप रह रहे हैं, ये सारा मुस्लिम पॉपुलेशन? पूरा मुस्लिम पॉपुलेशन। इसी एरिया में बकरे बिक जाते होंगे? जी अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे एरिया में बकरे बिक भी जाते हैं। प्लस यहाँ पर कैसा बाड़ा है, अब लोगों को रखने के लिए जगह नहीं रहती है, बिल्डिंग वगैरह का मसला रहता है, तो लोग यहाँ पर रख भी लेते हैं। और यहाँ पर रखने के बाद में फिर जैसे रात में लोगों के बच्चे आते हैं, खेलते हैं उनके साथ, दिख रहा है बाहर बच्चे खड़े भी है ना? जी जी, वो सब लेते हैं और यही रुक जाते हैं। अच्छा अच्छा जी, तो ये बकरे तो आपके इधर सोसाइटी में ही बिक जाते हैं आप बता रहे हो, तो वीडियो बनाने का पर्पस क्या है? नहीं नहीं नहीं, सोसाइटी में बोले तो भी माल इतना है मेरे पास में, और भी माल है। अच्छा जी, तो अपने अपडेट कर रहे हैं कि भाई और माल आने वाला है? और माल आने वाला है अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ। अभी जिसको चाहिए वो भी मिल जाएगा। आने वाला जो माल है बाहर, आउट ऑफ जिनको चाहिए, बम्बई भिवंडी वैसे भी अपना चलते रहता है, बम्बई भिवंडी वगैरह में, तो वहाँ पर जिनको चाहिए, कल्याण थाना, जितने भी मतलब ऑल ओवर इंडिया जहाँ पर जिसको भी चाहिए वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह माल अपना पहुँचाने की गारंटी अपनी है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दूसरी बात एक मैं पूछना चाहूँगा, जैसे मुंबई के लिए ट्रांसपोर्ट की सबसे बड़ी लोग है ना, जैसे अभी आप बकरे का रेट बताओगे जी, तो मेरा एक अंदाज़ है कि लोग है ना कुछ भी रेट पकड़ते हैं ट्रांसपोर्टेशन का। जी बिल्कुल, मतलब उनको पता भी नहीं है कि ट्रांसपोर्टेशन लगता कितना है, बस एक प्लस कर देंगे एक अमाउंट जो भी उनके दिमाग में होगा, जो भी उनके। तो मेरे हिसाब मेरे को आप सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले ये बताओ कि यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एग्जांपल मुंबई में जोगेश्वरी, बोरीवली, कांदिवली, साउथ मुंबई, नागपाड़ा, मुंबई बाजार, कहीं पे भी, कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट लो, तुमको 500 रुपए के ऊपर ट्रांसपोर्ट नहीं आएगा कोई भी एरिया में, कोई भी एरिया में इंशाल्लाह। जहाँ तक हाँ, ये चीज़ रह सकती है समीर भाई के सामने वाले को, जैसा बस वाले की रिक्वायरमेंट रहती है कि मैं येलो गेट तक ही आऊँगा एक मिसाल, या फिर मैं इधर ही आऊँगा, तो सामने वाला अगर मतलब जैसे सामने वाला बोल रहा है मैं इधर तक ही आऊँगा, सामने वाला 10 किलोमीटर दूर है, तो उसको इधर आना पड़ेगा बकरा लेने के लिए। बस अब और जहाँ तक बस का स्टॉप है वहाँ तक मुंबई में सिटी में बकरा पहुँचाने की जिम्मेदारी एकदम सेफली होता है अल्हम्दुलिल्लाह, एकदम सेफली होता है भाई। अपन ने काफ़ी बकरे पहुँचाए, मगर भी हमने भी अगवान गोट फार्म से काफ़ी बकरे नासिक की तरफ भेजे। जी जी, बड़ा एक बकरा आया है लगभग अभी रमज़ान के अंदर, अच्छा बड़ा हैवी बकरा आया है, हमने बस से ही भेजे और अल्हम्दुलिल्लाह बकरा बहुत सेफली आया, बहुत अल्हम्दुलिल्लाह। बस के अंदर जो रहता है ना समीर भाई, कैबिन टाइप है, कैबिन रहता है वो। हाँ। कैबिन पूरा जैसा बड़ा बकरा रहा बराबर, तो बड़ा बकरे का ऐसा रहता है कि उसको पूरा कैबिन दे देते हैं, और छोटे बकरे रहे तो छोटे बकरे एक कैबिन में दो, एक कैबिन में तीन एडजस्ट हो जाते हैं। मतलब बकरे जो ट्रांसपोर्टेशन जो होगा वो एकदम सेफली होगा, एकदम सेफली, और इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना, बिल्टी विल्टी ये वो उसमें कुछ नहीं है, और जानवर आ गए जैसे ट्रेन में होता है। ट्रेन का मसला ऐसा है कि आउट ऑफ जैसे जा रही है, जैसे UP हो गए, MP हो गए, मतलब कहीं भी जा रही है, जो ट्रेन से बाय ट्रेन अगर सफर हो रहा है वहाँ से, तो फिर वो बाय ट्रेन सफर होने के बाद में वो टिकट बिल्टी वो सब चीज़ों का इशू रहता है। ओके ओके ओके, लेकिन बस में कैसा है, बस वाले को पेमेंट किया, बस वाला लेकर चला गया, चला जाता है, सामने वाले का कांटेक्ट नंबर, बस दूसरा बहुत इजी प्रोसीजर है, इजी प्रोसेस है, बहुत कम खर्चे में हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। बस तो मैं सबसे पहले नासिक में वीडियो बन रही है इस वजह से बता रहा हूँ कि भाई ट्रांसपोर्टेशन को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। नहीं इंशाल्लाह, जो भी जानवर आप यहाँ से खरीदोगे एकदम सेफली आप तक पहुँचेगा, उसके लिए आपकी ये पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं अपने हमजा भाई। बस बस ठीक है, इंशाल्लाह बकरा आप तक एकदम सेफली और नॉमिनल खर्चे में, कम खर्चे में इंशाल्लाह आप तक उसकी लैंडिंग
हो जाएगी इंशाल्लाह भाई। तो सारी चीजें पहले हमने क्लियर कर दी, अब अपन बात करेंगे बकरों के बारे में। कौन सी ब्रीड में बकरे अपन ने लेकर आए? सारे मिक्स दिख रहे हैं मुझे। सब मिक्स ब्रीड है, कुछ सूजत है, कुछ अलवरी है, कुछ राजस्थानी है, कुछ कोटा बकरे हैं और कुछ गुजरी वगैरह है। गुजरी अंडुल में है, कोटा है अपने पास, अंडुल में भाई अंडुल तीन कोटे ओके और एक गुजरी है ओके और बाकी सब खस्सी है, खस्सी बकरे जी। ठीक है, तो भाई ये जो जितने बकरे हैं ये सारे लॉट के अपन एक बात करेंगे जी, कि क्या वेट के पूरी पट्टी आएगी ये? एवरेज पट्टी समीर भाई पकड़ो, अभी जैसे मिनिमम इसके अंदर कुछ 50-55 किलो के भी बकरे हैं, कुछ 60 प्लस भी बकरे हैं। अच्छा, कुछ क्या बोल रहे थे अपन भाई? अल्हम्दुलिल्लाह अपने पास में जो बकरों के वेट है ऐसे समझ के चलो 50-55 किलो के प्लस भी बकरे हैं, 60 प्लस भी बकरे हैं और फुल शाइनिंग वाले अल्हम्दुलिल्लाह एकदम सेट बकरे हैं पूरे। ठीक है भाई, ये जो बकरे हैं अभी पहला बकरा मैंने देखा 2 दांत का, दूसरा बकरा है 6 दांत का है, 6 दांत का है, छट्टे लगा रहा है भाई। मेरे हिसाब से ये पूरे लॉट का बड़ा बकरा है, आपके हैवी बकरा है, बड़ा बकरा मतलब इससे भी एक हैवी है भाई मेरे पास में, हैवी है। इस बकरा कितने केजी का है आपने भाई? हैवीएस्ट बकरा मेरे पास में लास्ट 67 केजी का है। ये सारे बकरे जो एक एक करके आ रहे हैं, आप ये लोग आप ये मत सोचो कि हम लोग सिर्फ बात कर रहे हैं, ये बकरे आपको दिखाए जा रहे हैं ताकि आप लोग स्क्रीन शॉट ले लें और आखिर में आपको इंशाल्लाह बकरों का रेट मालूम पड़ जाएगा और फिर आप लोग बकरे स्क्रीनशॉट भेज के इनसे डिटेल आपको और मिल जाएगी। ये है बड़ा बकरा आपके, ये बकरा है भाई मेरे पास में, ये 67 केजी पे भाई। माशाल्लाह, दांत दिखाओ भाई, 4 दांत पे, 4 दांत पे भाई। भाई ये सारे वैक्सीनेटेड है? सब अल्हम्दुलिल्लाह फुल्ली वैक्सीनेटेड जानवर है भाई, FMD PPR सब पूरे वैक्सीनेटेड है। आप बकरों की शाइन देखो, बकरों का कलर देखो, ये बकरा देखो भाई, मक्का चीना कोटा बकरा, मक्का चीना में कोटा है लेकिन खस्सी है वो। लेकिन एक बात बोलूं भाई, कोटा के ना खस्सी लवर है ना, उनको चॉइस नहीं मिलती है भाई मेरे पास तो में। यहाँ पे चॉइस है आपके पास, है ना? चॉइस अल्हम्दुलिल्लाह है, लेकिन कुछ बकरे मेरे पास में ऐसे भी है ना भाई कि जो लेकर के अगर भाई इसका कलर देखो, कलर देखो, बिस्किट कलर, क्या पैटर्न है भाई, बकरा है अच्छे हथियार का है और माशाल्लाह वो तीसरा चौथा कर रहा है, तीसरा चौथा कर रहा है। कुछ कुछ बकरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे भी है जो पलटी के लिए अगर पाले ना भाई, पलटी के लिए तो ऐसे समझो बहुत अच्छे बनने वाले जानवर है। माशाल्लाह क्वालिटी अच्छी तैयार, क्वालिटी एकदम अच्छी तैयार होने वाली है। देखो माशाल्लाह शॉर्ट हाइट में लेकिन फुटबॉल बच्चा है, पूरा इसका सीना पूरी बनावट वाला जानवर है, 2 दांत का है, 2 दांत का बच्चा है, कुर्बानी लायक भी है, कुर्बानी लायक पालेंगे तो एकदम फुटबॉल बनेगा, तो भी अच्छा हो जाएगा। लाओ 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 लाओ, सारे बकरे कोशिश करेंगे क्योंकि 20-20 एक बकरे है, 20-25 बकरे कुछ है भाई। ओके दिखाओ, अरे अदन बच्चा है ये तो यार माशाल्लाह, इसके दांत नहीं होंगे ना इतना मुश्किल है भाई, मुश्किल है। एक और अदन थे मेरे पास में भाई, ये वाला, ये सामने खड़ा हुआ है, कौन सा ये वाला? ये दोनों बच्चे तो पालने लाएंगे मतलब भाई, है ना? इसके ना इसने गैप किया है, इसने गैप किया है, ये तक तैयार हो जाएगा, तैयार हो जाएगा अगर ना भी हो ना समीर भाई। ये देखो, अरे है माशाल्लाह माशाल्लाह, जगह देख रहे हो, वो देखो बकरा बहुत अच्छा है पलटी के लिए भाई, कैसा भी लो अल्हम्दुलिल्लाह एकदम बेस्ट बनने वाला, दोनों पर्पस के लिए काम आ जाएगा, दोनों पर्पस के लिए काम है। ये देखो ये बकरा देखो, मेरे हिसाब से यहाँ पर आपको लो बजट कुर्बानी के लिए जो सर्चिंग हंटिंग कर रहे हैं ना जी, वो लाइक के बकरे हैं। मैक्सिमम से बड़े से बड़ा बकरा आपका 60-65 किलो का बता रहे हैं, बस है ना, उससे बड़ा बकरा कोई नहीं है, उससे बड़ा बकरा नहीं है। देखो 2 दांत का बकरा माशाल्लाह, लाओ एक और मक्की चीना, एक और मक्की चीना है भाई, मालवा है क्या है, कौन सी ब्रीड है ये भाई? ये अजमेरा पकड़ लो, है ना जी, 2 दांत का है माशाल्लाह। ठीक है, ये लगता है अभी पंच हुआ है, इसमें अभी रुबाब है थोड़ा, ये कुछ लेट पंच भी है ना, लेट पंच है इसके अंदर। लाओ भाई दूसरे कोई बकरे दिखाओ, एक वो सामने मक्खी चीना खड़ा है वो देखो, वॉल के पास खड़ा है देखो, ब्राउन वाला बताए वो मक्खी चीना वो वाला। और भाई पूरे एक्टिव बकरे देख रहे हो आप, एक्टिव बोले तो घुस गए अंदर वो खुद ही, मतलब इतने एक्टिवनेस बकरे अल्हम्दुलिल्लाह के जरा से कुछ मतलब ये नहीं कुछ नहीं, देखो इसको फुल सेट बकरे भाई, ये खुद इधर चला आया, ये देखो माशाल्लाह बकरा देखो आप, ये देखो मक्खी चीना में, ये देखो भाई बकरे, दांत दिखाओ भाई, 2 दांत का ही होगा ये शायद, इंशाल्लाह 2 ही दांत निकलेंगे भाई, दांत दिखाओ। कभी आया लॉट अपने पास भाई? तकरीबन समीर में अपने लॉट को हो रहे हैं एक हफ्ते के करीब, एक हफ्ते के करीब हो गया जी। ठीक है, ये हो गया, ये वाला बकरा हो गया, ये वाला दूसरा कौन सा बकरा दिखाओ, एक बड़ा वहाँ पे मुंडा खड़ा है देखो, ब्राउन वाला, ये ब्राउन पूरा ब्राउन ले सकते हैं। हाँ, ये घोड़ा अपना ही है भाई? नहीं ये दोस्त का है भाई। पालते हो क्या?
मेरे पास में अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एक और जगह है फार्म, वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास में 6 घोड़े हैं और वो एक ख़ानदानी शौक है अपना अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, तो वो अपने पर्सनल घोड़े हैं? पर्सनल घोड़े अपने वो। वाह माशाल्लाह भाई, कितने दांत पे है ये? दो दांत। दो दांत का भाई? मैक्सिमम बकरे जो है आपके पास दो दांत पे है? दो दांत पे माशाल्लाह। एक दो ही बकरे ऐसे हुए जो अपन ने दो चार चार दांत या चार दांत के निकले? ठीक है, एक ये ब्राउन एंड वाइट जो सामने खड़ा ये दिखाना, फिर बस करो जी। काफी बकरे तो अपन ने दिखाई दिए और फिर इसके बाद अपन रेट ओपन करेंगे, कुछ कोटा वगैरह भी जितने हैं वो भी दिखा देंगे। ये भी दिखा देंगे जी। दो बकरा देखो, एकदम फुटबॉल है माशाल्लाह। दांत दिखाओ भाई, दो दांत भाई। इसमें जो ट्रांसपोर्टेशन का मैं बोल एक चीज़ और समझना चाह रहा था जी जी, मतलब जितनी बस की फ्रीक्वेंसी है, कोई ऐसी पर्टिकुलर कंपनी की बस तो नहीं होती ना ऐसे? कोई भी बस में आप ट्रांसपोर्ट करवा सकते? कोई बस नहीं भाई, हम लोग की सिलेक्टेड बस है। बस ऐसे कोई पर्टिकुलर कंपनी की नहीं होती है, कुछ ट्रांसपोर्ट वाले हम लोगों के फिक्स है, दो तीन ट्रांसपोर्ट वाले हम लोगों के फिक्स है। वही ट्रांसपोर्ट के अंदर हम लोग जो है, हमको जो मतलब भरोसा ट्रस्ट है जिनके ऊपर कि हमारा बकरा सेफली बम्बई तक पहुँचाएंगे, भिवंडी तक, कल्याण बाईपास तक छोड़ेंगे, जो हम लोगों ने मतलब काफ़ी सालों से हम लोग जिनके साथ काम करते आ रहे वही लोग हैं हमारे पास में, दो या तीन बस उन्हीं के साथ में हम लोग। तो एट ए टाइम जैसे अभी कोई बकरे बिके तो कितने बकरे आप भेज दोगे? एक दिन में कितने बकरों की डिलीवरी हो सकती है? भाई मैं तो पूरे भी भेज सकता हूँ, इतनी फ्रीक्वेंसी है? इतनी फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं है भाई, मतलब जैसा बस वालों का जो ट्रांसपोर्टेशन का बता रहा हूँ ना, वो एक दो बकरों के लिए। अगर अपना जैसे एक साथ में बम्बई के लिए 4-5-6-7 बकरे निकल रहे तो अपन एक गाड़ी बना के भेज देंगे ना? भेज देंगे इंशाल्लाह, सही है बात। हाँ, वही भाड़ा भी उतना ही आ रहा है, उतना ही हो जाएगा। ठीक है, लाओ ये बकरा दिखाओ, ये गुजरी में है, बहुत मतलब 40-41 हाइट पे बकरा है, 70+ वेट है भाई बकरे का, और बहुत मतलब गर्म और एकदम फ्रेम वाला बकरा है माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने? 6 दांत। 6 दांत दिखा दे, 6 दांत है भाई। 6 दांत पे थोड़ा बकरे को चलाओ, थोड़ा सा चला दे उसको, रस्सी रस्सी रस्सी, बहुत गर्म बकरा है भाई। ठीक है चलेगा। क्या वेट बताया इसका भाई? इसका 70+ है। 70+ है जी। दूसरा एक ये कोटा है, एक वो कोटा होता है भाई इंशाल्लाह। ये देखो भाई कितने दांत पे, ये दांत दिखाओ। ये 4 दांत पे भाई, 4 दांत का है ना इसका दांत? 6 दांत। 6 दांत का है, 6 दांत का है। वेट कितने है? वेट भाई 55-56 के आसपास में पकड़ो। ठीक है, 50+ है। 50+ है जी। इन सब का रेट जो होगा नक के हिसाब से? ये नक के हिसाब से होगा भाई, और बाकी जो खस्सी का केजी के हिसाब से रहेगा जी। बहुत मस्ती में दिख रहा है यार ये, वो गर्दी है ना भाई इसलिए। डिस्टर्बेंस है उसको? नहीं, डिस्टर्बेंस नहीं है कुछ। हाँ, वो एक मस्ती रहती है बचपने में, छोटी है ना उम्र के हिसाब से। अच्छा, फीमेल है वो? फीमेल है। ओके ओके ओके, कितनी एज होगी इसकी? 15-16 मंथ्स। अच्छा, 18-16 मंथ्स की है। अच्छा, अपने को देख के भी थोड़ा वो एक्साइटेड हो रही है? एक्साइटेड होती है वो, मतलब मस्ती करती है एक अलग तरीके की। हाँ माशाल्लाह। ये देखो एक कोटा और है। ये कोटा और है भाई। दांत इसके? इसके 8 दांत के लिए। 8 में कर लिया? कर लिया भाई। वजन क्या होगा भाई इसका? 63+ वजन है। 63 काटे पे था, 63+ वजन है। ठीक है चलेगा। एक ये इसको दिखा दो भाई, ये कोटा मतलब एक अच्छी तरीके से दिखाओ पूरा। हाइट वगैरह अच्छी है बकरी की? हाइट, लेंथ, झालर और इसका रुबाब, मतलब हर चीज़ माशाल्लाह है। क्वालिटी और बड़ी पेटी का बकरा है माशाल्लाह। दांत कितने? नहीं तो चलेगा, ये भी 8 दांत पे। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं बोलो, कुछ है उसके कुछ बताना था आपको भाई? ये बकरे का एक्चुअल में ऐसा बताना था कि ये बकरा मतलब कुछ रिवर्स हुआ है, कुछ वजन के ऊपर से सामने वाले ने ध्यान नहीं दिया, वरना ये बकरा भाई 95+ था। अभी क्या वेट पर है ये? अभी ये 70 वेट पर है। बहुत ज़्यादा रिवर्स कर दिया है वो, एक्चुअल में थोड़ा सा इशू हो गया था, बाहर से आउट ऑफ चला गया था उस वजह से, और अपना मतलब क्लोजनेस वाला ही बंदा है, उस वजह से थोड़ा सा इशू हुआ। okay. बट ये बकरा भाई ऐसे समझ के चलो, आज की तारीख में भी अगर इसको सही तरीके से खुराक मिले ना भाई, ये बकरा कहीं के कहीं जाने वाली चीज़ अच्छी है। चीज़ है, देख के ही मालूम पड़ता है। पट्टी और रुबाब भी उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है, चीज़ देख के समझ में आ जाती है कि क्या है वो। तो भाई अभी पहले बकरों का रेट अपन ओपन करते हैं जी भाई, खस्सी होगा क्या इनका रेट? पहले बकरे एक बार फिर से सामने, वो इधर उधर चले जाते ना भाई। हाँ मतलब जगह से यूज टू हो गए बकरे माशाल्लाह, है ना। ये बकरा हम लोग से मिस हो गया लगभग, देखो बकरा माशाल्लाह बहुत अच्छा है। ठीक है भाई, इनके क्या रेट ओपन कर रहे हैं अपन भाई? इनका केजी से रेट देना है अपने को। हाँ
और इंशाल्लाह 480 रुपए केजी से अपन 480 रुपीस पर केजी 480 रुपीस पर केजी इंशाल्लाह रेट देंगे इनका इंशाल्लाह। इसमें नेगोशिएट कुछ करेंगे अगर थोड़ा बहुत इंशाल्लाह कर देंगे। ठीक है, 480 रुपीस पर केजी का रेट है। वैक्सीनेटेड बकरे हैं, कलरफुल बकरे हैं। जो बकरा आपको पसंद आए आप स्क्रीनशॉट भेजे, इनसे शेयर करें। मैं तो बोलूँगा भाई, सीज़न का टाइम है, स्क्रीनशॉट वाला चक्कर ख़त्म। जैसे हर साल हम लोग बोलते हैं कि सीज़न में स्क्रीनशॉट का जवाब ना ही दे तो ज़्यादा बेटर, लेकिन अभी इनके कन्वीनियंट के हिसाब से ये जैसे डील करना चाहे वैसा कर सकते हैं, क्योंकि लॉट ज़्यादा होता है, कस्टमर भी ज़्यादा होते हैं, कॉल्स मैसेज हर किसी को जवाब देना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो आप लोग यहाँ आओगे देखोगे तो ज़्यादा बेटर है, और अगर नहीं तो आपको सारी प्रॉपर डिटेल आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। जैसे भाई कुछ दिन रखना चाहते हैं बकरा ले करके, जैसे किसी के पास में जगह का इशू है भाई, जैसे कोई बिल्डिंग में रहता है उसको नहीं रखना है, वो एक दो दिन पहले बकरा चाहिए, तो अपना वो भी सेटअप अगर आप यहाँ पर रखना चाहते हो तो यहाँ पर लेने के बाद में रख भी सकते हो। बस पर डे के हिसाब का जो चार्जेस रहेगा 100 रुपये वो चार्ज करना पड़ेगा, बाकी उसके अलावा आप बकरे आप चाहे तो यहाँ पर रख भी सकते हो। ठीक है, चलेगा। अभी अंडुल की जो बात है वो बताते, इसका क्या प्राइस कोट कर रहे हैं अपन भाई? इसका प्राइस अपन कोट कर रहे हैं 41,000। 41,000 नेगोशिएट होगा इसमें? नेगोशिएट इंशाल्लाह हो जाएगा, हर बकरे में नेगोशिएट होगा भाई। ये गुजरी का? भाई गुजरी का अपन कर रहे हैं 37,000 जी। कितना वेट बताया था इसका? 70 प्लस है भाई। और बकरा बहुत माशाल्लाह, बकरा हैवी है, गर्म है। और ये बकरा भी आपको बताओ समीर भाई, उन्हीं के साथ में बकरा है और रिवर्स हुआ हुआ बकरा है, वरना ये बकरा एक वक्त मतलब इसके अंदर ताकत और हर चीज़ बहुत ज़्यादा है माशाल्लाह। ओके, तो इसके क्या प्राइस कोट रहे कोट कर रहे हैं? 37,000 जी। ठीक है, इसके भाई इसका इसके क्या प्राइस कोट कर रहे हैं भाई? इसका अपन कर रहे हैं 40,000। अगर कोई जोड़ी लेता है ना भाई, 80,000 में जोड़ी दे देंगे इसकी और इसकी, ये वाली जी 80,000 रुपये की जोड़ी, 80,000 में जोड़ी दे देंगे भाई। ठीक है, चलेगा। इसके भाई इसके अपन कर रहे हैं 32,000। 32,000 ब्राइड है। ओके, आस्केट है अपना 32,000। नेगोशिएट हो जाएगा? नेगोशिएट हो जाएगा, हर बकरे में नेगोशिएट हो जाएगा, और वक्त के हिसाब से रेट मांग रहे हैं। हाँ, दूसरा है। कोई नहीं है। और बकरी भी अल्हम्दुलिल्लाह फुल शाइन और चमकदार वाले, माशाल्लाह। मतलब ऐसा बकरे सब अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बकरे भाई आप बोल रहा हो ना, खुद आकर देख कर लो तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, सो ये वीडियो को क्लोज करते हैं। नंबर स्क्रीन के ऊपर हमजा भाई का मैं दे दूंगा, आप लोग आओ देखो पसंद करो, उसके बाद सौदा करो। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।